दोस्तों YouTube पर अपने बेहतरीन टैलेंट की वजह से बहुत से यूट्यूबर्स हमें अलग अलग तरीकों से इंटरटेन करते आ रहे हैं। इंडिया में अब काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं जो अपने टैलेंट के जरिए इस वेबसाइट पर नाम और पैसा दोनों ही चीज़ें कमा रहे हैं। YouTube पर चैनल्स की अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे कॉमेडी चैनल्स, टेक चैनल्स, म्यूजिक चैनल्स या फिर एजुकेशन और नॉलेज प्रोवाइड करने वाले चैनल्स, जैसे कि हमारा अपना चैनल अल्फा फैक्ट्स। दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सी कैटेगरी के चैनल्स यूट्यूब पर हैं और यूट्यूबर्स काफ़ी मेहनत करके अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर अपने व्यूअर्स को अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। बदले में उन्हें अपने फैंस की तरफ से ढेर सारा प्यार और यूट्यूब की तरफ से ढेर सारा पैसा मिलता है। वो पैसा वीडियोज़ की स्टार्टिंग या बीच में आने वाले एड्स का होता है, तो जिसके जितने ज़्यादा व्यूज आते हैं उसकी उतनी ज़्यादा अर्निंग होती है। केवल वीडियो से पहले आने वाले एड से ही यूट्यूबर्स को अर्निंग नहीं होती, बल्कि वीडियोस में अगर वो किसी ऐप या प्रोडक्ट का रिव्यू या प्रमोशन करते हैं तो उसके लिए भी उन्हें अलग से अर्निंग होती है। लेकिन आज मैं आपको केवल एड्स के थ्रू इंडिया में 10 सबसे ज़्यादा कमाने वाले यूट्यूबर्स की अर्निंग बताऊँगा, और मैं केवल आपको इंडिविजुअल चैनल्स की अर्निंग ही बताऊंगा, जैसे कि अमित भडाना, बीबीक्यू वाइंस। मैं किसी कंपनी के चैनल जैसे टी सीरीज या सेट इंडिया की इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। दोस्तों इनमें से किसी भी यूट्यूबर ने मुझे अपनी अर्निंग बताई नहीं है, तो उनकी अर्निंग्स का मैंने पता कैसे लगाया? उनकी अर्निंग्स का पता लगाने के लिए मैंने एक थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज़ किया है, और इसमें बताया गया डेटा 100% एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन लगभग सही होता है, इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं 2018 में सबसे ज्यादा कमाने वाले इंडिया के टॉप 10 यूट्यूबर्स के बारे में। नंबर 10, डॉक्टर विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर। हमारी इंडिया के टॉप 10 सबसे ज़्यादा कमाने वाले यूट्यूबर्स की लिस्ट में नंबर 10 पर हैं हम सबके चहेते डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। इनके चैनल की वीडियोस का काम है हमारे दिमाग को बूस्ट करना। ये काफ़ी अच्छी और मोटिवेशन से भरपूर वीडियोस बनाते हैं, जो अक्सर आपको ट्रेंडिंग पेज में भी दिखाई दे सकती हैं। सितंबर 2018 में इनके चैनल पर 47,80,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और एक महीने की इनकी सभी वीडियोस के टोटल व्यूज़ 2 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। इस हिसाब से ये अपने YouTube चैनल से केवल एड्स के थ्रू लगभग 2 से 3 लाख रुपए कमा लेते हैं। हालांकि उनको अपने चैनल की अर्निंग से कुछ खास मतलब नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक बिजनेस कोच है। नंबर 9, मुंबईकर निखिल। मुंबईकर निखिल ये उन चुनिंदा यूट्यूबर्स में से एक हैं जो अपने चैनल के थ्रू पूरी दुनिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और मुंबईकर निखिल इंडिया के काफ़ी फेमस यूट्यूबर्स में से एक भी हैं। निखिल अपनी वीडियोस में व्लॉगिंग करते हुए अपनी लाइफ के हर तरह के मोमेंट को अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं, और दुनिया के अलग अलग देशों में घूमते हुए वहाँ की ब्यूटीफुल साइट्स को दिखाते हुए वीडियोज़ बनाते हैं। इनके इस वक्त सब्सक्राइबर 16,87,000 से भी ज़्यादा हैं, और एक महीने में इनकी वीडियोस को लगभग 1,60,00,000 लोगों ने देखा है। इस हिसाब से अपने चैनल पर केवल एड से मुंबईकर निखिल की इनकम लगभग 2 लाख रुपए है। नंबर 8, TS मदान। ये चैनल भी इंडिया के बेस्ट यूट्यूब चैनल्स में से एक है। इस चैनल पर आपको मोटिवेशनल वीडियोस, सेल्फ डेवलपमेंट वीडियोस, कभी कभी रेसिपीज की वीडियोस और इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने वाली वीडियोस मिल जाएंगी। यानी इस चैनल पर आपको कई तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी, जिन्हें देखकर आपका ही फायदा होगा। तो अब बात करते हैं इस चैनल की अर्निंग की। सितंबर 2018 में इस चैनल पर सब्सक्राइबर 59,00,000 से भी ज़्यादा थे, और एक महीने में इस चैनल पर व्यूज़ आते हैं लगभग 3,45,00,000। तो इस चैनल की एक मंथ की अर्निंग है लगभग 4 से 5 लाख रुपये। नंबर 7, निशा मधुलिका। ये चैनल भी इंडिया के काफ़ी पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स में से एक है। हालांकि ये चैनल उन लोगों के बीच पॉपुलर है जिन्हें कुकिंग का शौक है,
निशा मधुलिका चैनल पर खाने की चीजों की रेसिपीज के बारे में पता चल जाएगा। और घर बैठे इन वीडियोस की मदद से आप एक से बढ़कर एक वर्ल्ड क्लास रेसिपीज को काफी आसानी से बना सकते हैं। तो निशा मधुलिका चैनल पर इस वक्त सब्सक्राइबर्स हैं 54,21,000 से भी ज्यादा, और इनके पिछले एक महीने में टोटल व्यूज हैं 3,60,00,000। तो इस चैनल की एक मंथ की केवल एड से अर्निंग लगभग 5,00,000 रुपए है। नंबर 6, फैक्टेग्स। फैक्टेग्स इंडिया के उन चैनल्स में से एक है जिनमें आपको साइंस और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। फैक्टेग्स इंडिया के काफी तेजी से ग्रो होने वाले चैनल्स में से एक है। हमारे चैनल अल्फा फैक्ट्स पर भी आपको इसी तरह के टॉपिक्स पर वीडियोस देखने को मिलती हैं। इस वक्त फैक्टेग्स के सब्सक्राइबर्स हैं 57,00,000, और पिछले एक महीने में इस चैनल पर व्यूज आए हैं 4,60,00,000। इस चैनल की एक मंथ की अर्निंग लगभग 6-7,00,000 रुपए है। नंबर 5, आशीष चंचलानी वाइंस। आशीष चंचलानी जो अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं, अपनी बेहतरीन कॉमेडी से हमें खूब इंटरटेन करते हैं। आशीष चंचलानी वाइंस चैनल पर आपको वाइंस देखने को मिलेंगी। ये चैनल पूरे देश में काफी ज्यादा पॉपुलर है, और इस चैनल की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि मार्वल ने अवेंजर्स इन्फिनिटी वार के करेक्टर्स का इंटरव्यू लेने के लिए आशीष चंचलानी को सिंगापुर बुलाया था। इसके अलावा इनके चैनल पर अब बॉलीवुड एक्टर्स अपनी मूवीज का प्रमोशन करने के लिए भी आने लगे हैं। आशीष चंचलानी वाइंस चैनल के इस वक्त 75,00,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और एक महीने में उनके व्यूज हैं 5,22,00,000 से ज्यादा। तो उनकी एक महीने की केवल एड्स से कमाई लगभग 8,00,000 रुपए है। नंबर 4, द वर्ल्ड एडवेंचर्स हिंदी। इस चैनल पर भी आपको नॉलेज वाली टॉप 10 वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये चैनल हमारे चैनल अल्फा फैक्ट्स की कैटेगरी वाला चैनल है। हालांकि इस चैनल की ग्रोथ काफी ज्यादा तेज है। इस वक्त द वर्ल्ड एडवेंचर हिंदी चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं 64,00,000 से भी ज्यादा, और पिछले एक महीने में इस चैनल पर व्यूज आए हैं लगभग 7,43,00,000। तो अगर इस चैनल की इनकम का हम अंदाजा लगाएं तो एक मंथ की इस चैनल की अर्निंग होगी 8-9,00,000 रुपए के आसपास। नंबर 3, टेक्निकल गुरुजी। टेक्निकल गुरुजी यानी गौरव चौधरी एक ऐसा इंसान जिसने YouTube पर अपनी मेहनत और टैलेंट के दम से दुनिया भर में, खासकर इंडिया में, अपने बहुत फैंस बनाए हैं। गौरव चौधरी एक दिन में अपने चैनल पर 2 वीडियोस डालते हैं। इनकी वीडियोस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। इनका एक और चैनल है जिसमें ये व्लॉग्स डालते हैं। इनके दोनों चैनल के सब्सक्राइबर्स अगर हम मिला दें तो इनके सब्सक्राइबर्स 1,00,000,000 से भी ज़्यादा हैं। फिलहाल तो इनके मेन चैनल पर सब्सक्राइबर्स 90,00,000 हैं। इनके दोनों चैनल्स के पिछले एक मंथ के व्यूज 6,40,00,000 से ज़्यादा हैं। इस हिसाब से इनकी एक महीने की YouTube के केवल एड्स से अर्निंग लगभग 9-10,00,000 रुपए है। नंबर 2, अमित भडाना। अमित भडाना को तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने अपने चैनल पर काफ़ी अच्छी कॉमेडी वीडियोस डाली हैं, और वो वीडियोस ऐसी थीं कि उन्हें हर एज के इंसान ने पसंद किया। इसलिए केवल 18 मंथ्स में ही अमित भडाना ने ना सिर्फ 1,00,000,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए, बल्कि उनका चैनल इंडिया का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला चैनल बन गया। इस वक्त इनके 1,05,80,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और उनके एक महीने के व्यूज़ हैं 8,38,00,000। तो उनकी YouTube पर केवल एड्स से एक महीने की अर्निंग है 12-14,00,000 रुपए के आसपास। अबे मेरा डायलॉग मुझे ही चेप रहा है, ये पुराना हो गया, अब नया सुन। मास्टर भी नू कहते इसे ना पढ़ाना, उसका नाम है अमित पढ़ाना। नंबर 1, बीबी की वाइंस। बीबी की वाइंस कई सालों से इंडिया का नंबर 1 इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल है, और फिलहाल ये इंडिया का दूसरा सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर भी आपको वाइंस देखने को मिलेंगी। बीबी की वाइंस चैनल भले ही इस वक्त इंडिया में दूसरा सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाला चैनल है, लेकिन पिछले एक महीने के व्यूज इंडिया में सबसे ज्यादा इसी चैनल को मिले हैं।
इनके इस वक्त सब्सक्राइबर्स हैं 1,04,00,000 के करीब और पिछले एक महीने के व्यूज हैं 9,44,00,000 और इनकी एक महीने की अर्निंग होगी लगभग 14 से 15 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के टॉप 10 हाईएस्ट पेड यूट्यूबर्स। इस लिस्ट में फिलहाल तो हमारा चैनल नहीं है, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हमारा चैनल भी इस टॉप 10 लिस्ट में आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो में जितने भी यूट्यूबर्स की अर्निंग मैंने आपको बताई है, पहली बात तो ये कि ये एग्जैक्ट अर्निंग नहीं है, इनके व्यूज़ के हिसाब से मैंने अंदाज़ा लगाया है, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, इस वजह से मेरे लिए ये अंदाज़ा लगाना थोड़ा इजी था। दूसरी बात ये कि यूट्यूब पर अर्निंग केवल एड्स से नहीं होती, और भी बहुत तरीकों से होती है, जैसे कि स्पॉन्सरशिप या किसी प्रोडक्ट या ऐप का रिव्यू, तो उन अर्निंग्स के बारे में मैंने आपको इसमें नहीं बताया है। तीसरी बात ये कि यूट्यूब पर अर्निंग्स फ्लक्चुएट होती रहती हैं, क्योंकि व्यूज़ के हिसाब से अर्निंग होती है। तो कुछ महीनों पहले इस लिस्ट में बताए गए यूट्यूबर्स की अर्निंग इतनी नहीं थी जितनी कि अब है, और आने वाले टाइम में ये कम ज़्यादा भी हो सकती है। मैंने इस वीडियो को सितंबर 2018 में बनाया है, इसलिए अगर आप इसे फ्यूचर में देख रहे हैं तो सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, ये सब चेंज हो चुके होंगे। चौथी बात ये कि आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, ये थी इंडिया के टॉप 10 यूट्यूबर्स की वीडियो, और अगली वीडियो में बनाऊंगा दुनिया के टॉप 10 सबसे ज़्यादा कमाने वाले यूट्यूबर्स के बारे में। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।